Hello everyone, welcome back. Amania here, and today I'm unboxing with you these Flipkart designer sari review. So aap dekh sakte, this is from Flipkart and its cost is ₹1839. Yeah, so shipping charges is pe lage hai, वैसे ही under 1800 की सारी है. So this sari is Sasima self design Bollywood poly georgette sari. So देख लेते हैं. वैसे इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो. सो आज मैंने यहाँ वेयर किया हुआ है शीन का बहुत ही प्यारा टॉप, जिसपे ये थ्रेड के टेसल्स आपको मिलते हैं स्लीव्स पर. बहुत ही डिजाइनर टॉप है, जो कि जीन्स और पेंसिल स्कर्ट्स के साथ बहुत अच्छे जाते हैं. अगर आप कहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो चलिए जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं. वाओ, सिसोमा ब्रांड. तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा पर्पल कलर हमको यहाँ पे रिसीव हो रहा है. इमेजेस में ये ब्लू दिख रहा था, लेकिन ऐसे ये पर्पल दिख रहा है. मैं जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेती हूँ. पॉली जॉर्जेट है, ये प्योर जॉर्जेट का फैब्रिक है, जो कि आपको इस तरीके के डबल कलर में रिसीव होता है. आप देख सकते हो. सो बहुत ही प्यारा यहाँ पे थ्रेड वर्क मिलता है. बस इसमें ये जो गोटा पट्टी दी गई है, ये लोकल दिख रही है. जल्दी से ओपन कर लेते हैं. ये शिफॉन फैब्रिक है यार पल्ले पे, और अंदर से जॉर्जेट फैब्रिक है. नाइस. तो जल्दी से ओपन करके पहले मैं आपको इसका दिखा देती हूँ ब्लाउज. तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये ब्लाउज रिसीव होता है. 80 सेंटीमीटर का नहीं, बड़े पने का है. 1 मीटर का आपको ब्लाउज पीस यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी आप स्लीव्स फुल भी रख सकते हो. तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही प्यारा सॉफ्ट लिनन वाला फैब्रिक इसमें रिसीव होता है. एंड इस तरीके से ये रिसीव होता है. स्लीव्स तो इसमें प्लेन आएगी, लेकिन नेक पे आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है थ्रेड का, जो कि कसब वाला वर्क है, जो कि बहुत प्यारा लगेगा ऐसे. तो ये सारी ही चीज़ें मैंशनड है, जैसे कि आप इमेजेस स्क्रीन पर देख रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही. इस तरीके से इसमें आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही मतलब कलाकारी के साथ वर्क दिया गया है. ये सीधा है या उल्टा? ओह माय गॉड, उल्टा था. सो ये है फ्रंट. कितना मरा मरा लग रहा था ना बैक साइड से. तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको नेक के लिए मिलता है ये एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो बहुत ही प्यारा कशीदा और थ्रेड का मैचिंग आपको मिलता है. स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इमेजेस एग्जैक्टली वैसा ही है. बहुत प्यारा लग रहा है. तो स्लीव्स पर आपको कोई वर्क नहीं दिया गया है. ब्लाउज पूरा ही नेवी ब्लू कलर का है, एंड बहुत ही क्यूट आपको इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रहा है गोल्डन एंड गाजरी. तो उसके बाद ये ब्लाउज हो जाएगा ख़त्म और हमारा स्टार्ट हो जाएगा साड़ी लाइक दिस. तो सबसे पहले जब हम साड़ी का फर्स्ट वाला राउंड लेंगे, तो ये लाइट जो पैरट कलर आता है, नियॉन कलर कुछ वैसा है. तो ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस. तो पूरी ही साड़ी पे आपको बहुत प्यारा जो ये वाला फैब्रिक है, ये पॉली जॉर्जेट फैब्रिक है. पॉली जॉर्जेट मीन्स कि जो जॉर्जेट फैब्रिक होता है, उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और थोड़ा प्योर क्वालिटी का आपको रिसीव होता है. फैब्रिक जितने प्योर होते हैं, उतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. और नॉर्मल अगर शिफॉन बोलेंगे तो इट्स अ नॉर्मल क्वालिटी, प्योर शिफॉन बोलेंगे इट्स अ हायर क्वालिटी. तो ये वाला पॉली जॉर्जेट है, तो इट्स वेरी नाइस क्वालिटी. एंड देन आपको ये रिसीव होता है ऐसे. इस पर गोल्डन और गाजरी कलर का इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको दे रखा है, बहुत ही प्यारा. तो आप देख सकते हो ये जो कलर है, इस पर जो गोल्डन कलर है ना, ये बहुत अच्छा जा रहा है. आई मीन बहुत ही प्रिटी लुक दे रहा है. बहुत ही बारीक कशीदा एम्ब्रॉयडरी वर्क इसमें आपको दे रखा है. और यहाँ बहुत ही प्यारा आपको ब्लाउज के कलर का नेवी ब्लू कलर का विथ पाइपिंग आप देख सकते हो. ये जो पट्टी है ना, ये फैब्रिक के ऊपर वर्क किया गया है, और वो वर्क आपको गाजरी, डार्क गाजरी और गोल्डन 3 शेड्स में मिलता है. और वो इस तरीके की पाइपिंग पट्टी के साथ अटैच किया गया है. नीचे साइड से आपको यहाँ पर गोटा पट्टी दे दी गई है पूरी साड़ी में, जो थोड़ी सी लोकल फील हो रही है. जब इन्होंने इतनी अच्छी साड़ी दी है, तो पता नहीं ये वाला गोटा पट्टी क्यों लगा दिया. लेकिन ठीक है, ये नीचे से है तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करेगी. अगर दूर से देखेंगे तो अच्छी लग रही है, नज़दीक से दिखाओ तो मतलब बुरी नहीं है. लेकिन जो क्वालिटी इन्होंने हमें दी है, वो थोड़ा सा लोकल लगा के दे दिया है, लेकिन बुरा नहीं है, ठीक लग रहा है.
अकॉर्डिंग टू प्राइस आई थिंक ही नाइस डील। हाँ 100-200 रुपये जब कोई चीज़ पे थोड़े से कॉस्टली लगते हैं तो वो बोले नहीं जाते, बिकॉज अगर आपको चीज़ अफोर्डेबल रीजनेबल मिल रही है तो आई थिंक कि इतना माइंड नहीं किया जाता, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसे हो जाते हैं कई बार की चीज़ तो नॉर्मल होती है बट हमें कई बार कलर का पैसा पे करना पड़ता है और ऑनलाइन तो ये सारी ही चीज़ें नोटिस की जाती है। सो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बहुत प्यारा यहाँ पर ये वर्क रिसीव हो रहा है, नो डाउट कि लोकल वर्क है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी का वर्क है। और जिसमें आपको ये ब्लू रॉयल ब्लू जो आता है, नेवी ब्लू रॉयल ब्लू मिक्स, ये वैसा कलर है पल्ले का, तो आपको ये इस तरीके से रिसीव हो रहा है। और डबल कॉम्बिनेशन आ रही है शिफॉन प्लस पॉली जॉर्जेट, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट क्वालिटी, बहुत मतलब बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको रिसीव हो रही है। बहुत ही अच्छी आपको इसमें बॉर्डर रिसीव होती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत क्यूट आपको रिसीव हो रहा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिया गया है, देखने पर एकदम हाई क्वालिटी फील होता है। सो नो डाउट कि कहीं से भी कुछ खराब है। तो इस तरीके से ये साड़ी पे आपको आपकी पूरी ही प्लीट्स पे वर्क मिलेगा लाइक दिस, ऊपर से कुछ नहीं है, सिर्फ ना बीच में कहीं कोई मतलब कहीं भी आपको कहीं ऐसे कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स या कुछ भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी के बने हुए बूटियाँ कुछ भी नहीं मिलती है, ऊपर से पूरी प्लेन है जो कि और ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो इस तरीके से आपको ये साड़ी यहाँ पर होती है रिसीव, ठीक है। तो आपको ये प्लीट समझ में आ गई, अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा पल्ला। तो जो पल्ला है वो हमको यहाँ प्योर शिफॉन का सेंट हुआ है, एग्जैक्टली शिफॉन, बिल्कुल भी पॉली जॉर्जेट या नॉर्मल जॉर्जेट नहीं है। तो ऊपर साइड से जो आपको ब्लाउज पे नेक पर एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है कुछ वैसा, थोड़ा सा कम इसमें आपको वर्क दे रखा है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे लाइन दी गई है, बैक साइड से भी नो डाउट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको स्टिचिंग मिलती है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कपड़ा निकला हुआ है या सिलाई दिख रही है, दिखने में बुरी लग रही है, साड़ी लोकल लग रही है, नो, बहुत फिनिशिंग के साथ रिसीव होती है। अब बात करेंगे इस वाली पट्टी की, तो ये जो पट्टी आपको यहाँ पे रिसीव होती है ये अगेन जो वर्क है ये शिफॉन पे नहीं किया गया है, जो ब्लाउज का फैब्रिक है ब्लू कलर का ये उस पर किया गया है, एंड उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है लाइट एंड डार्क गाजरी कलर प्लस गोल्डन कलर, और उसके बाद उसको इस पाइपिंग के साथ अटैच कर इस साड़ी पर अटैच किया गया है। तो ये बहुत ही क्यूट और डिसेंट लुक दे रहा है, बहुत ही साड़ी को स्टाइलिश दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। प्लस फिर आएगी ये गोटा पट्टी, तो मैंने बताया कि दूर से तो लोकल नहीं लग रही लेकिन ऐसे देखने में जो ये गोल्डन कलर होता है ना थोड़ा सा डार्किश वाला होता है, बस ये इसमें गलत है, अदरवाइज ऐसे देखने में ठीक लग रहा है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसके ऊपर पूरी साड़ी को ख़राब बोल दिया जाए, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये रिसीव होता है, और आएंगे हम नीचे साइड, तो जहाँ आपका ख़त्म हो जाएगा प्लीट्स, तो आपको जो नीचे का बॉर्डर है एग्जैक्टली वो आपके पल्ले में भी नीचे से बिल्कुल मिलेगा सेम लाइक दिस। नो डाउट बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको साड़ी मिल रहा है, और जिस तरीके से आपको साड़ी मिल रहा है तो इट्स एक्चुअली डिजाइनर साड़ी, तो मुझे तो 1800 की साड़ी कहीं से बुरी नहीं लग रही है, बिकॉज क्वालिटी भी होती है। 2.25 मीटर का आपको प्योर शिफॉन दे रहे हैं, फिर आपको पॉली जॉर्जेट दे रहे हैं, फिर आपको इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रहे हैं, प्लस ब्लाउज पे भी आपको एम्ब्रॉयडरी दे दे रहे हैं, तो ठीक है, बहुत ही अगर हमको रीजनेबल प्राइस में चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600, लेकिन 1800 है तो 100-200 ऑनलाइन वाले काम में चलता है, बिकॉज हम बहुत ईजीली देख कर चीज़ें परचेस कर लेते हैं, तो मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ मतलब अच्छी लग रही है मुझे, ठीक ठाक लग रही है। तो इस तरीके से आपको नीचे से ये पूरा ही रिसीव होता है लाइक दिस, और जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आपको दी गई है, आप देख सकते हो बैक साइड से भी। उसके बाद जो आपका ये टर्न आ जाएगा ऊपर के लिए, नीचे का जो पल्ले का आता है तो वो ऐसा आएगा, ऐसा ये नीचे का है और ये ऊपर जाता हुआ, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको ये भी रिसीव होगा, आप देख सकते हो। तो जो वर्क का साइज़ है वो दिखने में फ्री साइज़ लग रहा है, क्योंकि जो शिफॉन का मेन कहाँ से हमको पता चलता है कि हमारा जो वर्क है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं, जो शिफॉन का फैब्रिक है जो आपको पल्ले के लिए दिया जाता है वो आपने हमेशा मेजरमेंट करना चाहिए कि वो 2.25 मीटर है या नहीं। अगर वो 2.25 मीटर है, आई मीन यहाँ से अगर ये वाला आपको जो फैब्रिक मिलता है ये आपको 2.25 का मिल जाता है, 2.25, तो ये आपको जो मिल जाता है पल्ला 2.25 का, इट मीन्स कि वर्क भी आपको मिलता है 2.25 का, तो ये होता है फ्री साइज वर्क। अगर आपको पल्ला 2 मीटर का सेंड किया जाता है, अगर आप नापते हो अपने हैंड वाइज गिट वाइज, तो
अगर ये 2 मीटर का है इट मीन्स आपको वर्क भी 2 मीटर का मिल रहा है, या फिर कई बार होता है कि सारी पूरी एग्जैक्टली सेम होती है तो उसमें हम कैसे समझे, तो उसमें आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगर मेजरमेंट में जहाँ से वर्क है वहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि साड़ी तो सेम रहेगी और डबल कलर की साड़ी में तो आपको पल्ला मेजरमेंट करना है, तो यहाँ से शो होता है कि साड़ी और वर्क फ्री साइज है या नहीं। तो इस पल्ला 2.25 का है शिफॉन का, इट मीन्स हमको वर्क भी इसमें फ्री साइज दिया गया है। तो ये वाला साड़ी मैंने आपको समझा दिया कि ब्लाउज आपको इसमें इस तरीके से ब्लू कलर का रिसीव हो रहा है विथ दिस मतलब गॉर्जियस नेक एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर जो ये कलर्स कॉम्बिनेशन है बहुत ही यूनिक लग रहे हैं। तो आपको इस तरीके से ये पूरी ही प्लीट्स रिसीव हो रही है ऐसे फाइनल, आप देख लीजिए इस तरीके से आपको रिसीव होती है इसकी प्लीट्स पार्ट, एंड देन आपको रिसीव होता है आपका पल्ला जो कि शिफॉन का है 2.25 मीटर का है इस तरीके से। अब मैं जल्दी से आपको ये वाला साड़ी अच्छे से वेयर करके दिखा देती हूँ कि वेयर करने के बाद कैसी लुक देता है। तो चलिए तो आपने देख लिया कि वेयर करने के बाद जो साड़ी है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, बिकॉज इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वर्क हमें ठीक दिया है सिर्फ ये गोटा पट्टी को छोड़ के, वैसे अगर हम पार्टीज वगैरह में इसे वेयर करें तो गोटा पट्टी पे नज़र नहीं जाएगी, बिकॉज साड़ी का जो फैब्रिक है, जो मटेरियल है, जो वर्क है, जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें सेंड किया गया है। एंड सेकेंड चीज़ की बहुत ही बारीकी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें वर्क इसमें रिसीव हो रहा है। उसके बाद जो आपको प्लीट्स में कलर दिया गया है बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसका जो ब्लाउज है वो ब्लू कलर का आएगा, नेक पे उसके वर्क आएगा। अगर आपको ब्लू कलर का वेयर नहीं करना है तो आप गाजरी कलर का अगर कोई डिजाइनर ब्लाउज है तो वो इसके साथ वेयर करके इस साड़ी को मतलब बहुत ही एलिगेंट लुक दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी कॉन्ट्रास्ट कलर साड़ीज वगैरह में यूज़ करते हैं वो हमें उतना ज़्यादा स्टाइलिश बनाते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट दिखाते हैं। तो इसके ऊपर गाजरी कलर का भी बहुत अच्छा जाएगा, गोल्डन तो जाता ही है लेकिन अगर अलग लुक दिखाना है तो गाजरी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ब्लू तो दिया ही है, इट मीन्स कि वो परफेक्ट है इसके लिए। तो मुझे साड़ी का जो हाइट है, विड्थ है, बिल्कुल अच्छा लगा। मैंने आपको यहाँ से वर्क दिखाया कि 2.25 मीटर के पल्ले में वर्क भी हमको यहीं से रिसीव हो रहा है, तो आपने वर्क देख लिया। उसके बाद बैक साइड से जो साड़ी का फिनिशिंग है बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं से साड़ी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है 1800 की अगर साड़ी है तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई साड़ी को अगर कॉस्टली समझ रहा है तो वो वेट कर सकता है कि मे बी इसके प्राइस ड्रॉप हो जाए। लेकिन अगर कुछ वक्त पहले अगर हम देखें तो कुछ 3 मंथ पहले इस वाली साड़ी का कॉस्ट 2300 था फ्लिपकार्ट पे। तो ये वाली साड़ी स्नैपडील और मिंत्रा पर भी अवेलेबल है और सेम ब्रांड की है, तो एग्जैक्टली क्वालिटी हमको ये वाला सेंड होगा। तो साड़ी जैसी भी है, साड़ी कॉपी नहीं है, साड़ी एक्चुअली जैसा हमें इमेजेस पे दी गई है एग्जैक्टली हमें वैसी ही सेंड हो रही है। तो नो डाउट साड़ी ठीक है, मुझे साड़ी ठीक लगी है।
मेरी तरफ से सारी के लिए हाँ है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो भी सारी के साथ जा सकते हैं, नो डाउट सारी अच्छी है। और आई होप गाइस कि दिस टाइम माय दिस फाउंड इज आल्सो हेल्पिंग यू, एंड एज ऑलवेज इफ यू न्यू टू आर हियर सो प्लीज डोंट गो विदाउट लाइक एंड विदाउट सब्सक्राइब, लव यू। Hey, hello everyone. My name is Altum Sultan Ali Khan. Today I'm showing Lock Clovers. This का name is Lock Clovers. चलिए जल्दी से इसको open कर लेते। अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, मुझे अच्छे से बताना मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, अच्छे से बताना मुझको कमेंट करके।